शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अनुज जी, बात करें यहाँ से अगर मसालों की, तो मसालों में हमने काफ़ी शानदार कीमतें आते हुए देखी हैं, चाहे धनिया हो, जीरा हो, चाहे हल्दी हो, तीनों में ही शानदार तेजी देखने को मिली है। लेकिन अब देख रहे हैं कुछ करेक्शन भी बन रही है, आपको क्या लगता है, क्या एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। ऑलमोस्ट जीरा के भाव 22,300-22,400 के आसपास चल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती है क्योंकि भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं। और हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, मंदी तो यहाँ पे हमें नहीं लगती है, मगर हायर लेवल होने की वजह से जिन्होंने हमारी सलाह पर लोअर लेवल पर खरीदारी करी है उनके लिए सलाह है कि वो प्रॉफिट बुक करें क्योंकि उनको नीचे डिप का मौका जरूर मिलेगा। तो नीचे अगर भाव अगेन 21,500 या 21,000 के आसपास आए तो खरीदारी फ्रेश कर सकते हैं। करंट रेट पर खरीदारी हमें लगता है कि अभी रुकना चाहिए, भाव अभी और यहाँ से नरम हो सकते हैं। अनुजी, हल्दी में आपको क्या लगता है, क्योंकि हल्दी में भी हमने हाल ही में कीमतें 10,000 के ऊपर जाते हुए देखी थी, फिर 9,900 पर बाजार आ गया है, आपको क्या लग रहा है, क्या हल्दी में थोड़ी पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकती है आगे जाके? देखिए हल्दी में हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, वहां पर भी हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। हमें लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर भाव रुकेंगे, खरीदारी थोड़ा सा रुके करना चाहिए, खरीदारी करने के जो स्तर है नीचे करीबन 9,500 के आसपास भाव मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें करीबन 11,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटी अवधि में भाव एक स्टेबल हो सकते हैं, मगर यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है तो लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। जी अनु जी, जैसे अब आगे रमजान का महीना है और अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी चल रही हैं, और हमने धनिये में देखा था कि जो विदेशों का जो माल है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि पूरी जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, उसको पूरा कर पाए, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिलेगी और एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रहेगी? एक्सपोर्ट डिमांड तो सालों में हम देख ही रहे हैं कंटिन्यूअसली, और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से हमने देखा है कि सभी मसालों में अच्छी खासी रिकवरी रही है, तो एक्सपोर्ट डिमांड जनरली हम देखते हैं हायर लेवल पे आने की वजह से थोड़ी सी कम हम यहाँ देखते हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत नरमी जो है वो हो सकती है या स्टेबल माहौल हो सकता है, तो थोड़ा रुकना चाहिए, भाव नीचे आए तो खरीदारी करें क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि भारत के अंदर जो इस बार एकरेज है या फिर जो क्रॉप साइज है वो पिछले साल से काफी कम है, जिससे भावों को सपोर्ट रहेगा। जी, फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।